नीतीश आर सब तक खाऊ का खत्म कर दिया, उल पुल सारा टेंडरे खत्म कर दिया। अच्छा। कखनी कहां मिलकर जनता के हत्या करवा देगा, और कोई ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं। मतलब विलास पासवान के नोतापुरी। अच्छा, ऊपर में रहता है प्रधानमंत्री के नीतीश कुमार देख रहा है ख्वाब पढ़ने के। अच्छा। बिहार के क्या देखेगा, बिहार के तो खोखला कर दिया खाऊ को। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, ये बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और ये पुल जो है कुमारसार नदी के बीचों बीच पड़ता है, और यहाँ जो है 10 साल के अंदर ही पुल तैयार हुआ, लेकिन 10 साल तक टिका भी नहीं। ये ओवर ब्रिज है, बड़ा वाला ओवर ब्रिज है, और इसका क्या खासियत है और टूटने वाला भी है, वो हम आपको पूरा जानकारी देंगे, आप वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तो देख सकते हैं, ये ही है ओवर ब्रिज कुमारसार नदी का, और ये जो ओवर ब्रिज है ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। तो चलिए मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको नज़र आ रहा है, तभी हम नीचे चल के आपको दिखाते हैं कि डैमेज है या नहीं है। ये पूरी तरह से जो है डैमेज हो चुका है, लेकिन इसके नीचे है तो मुझे डर भी लग रहा है कहीं गिर ना जाए, लेकिन पुल जो है बहुत ही नए दिख रहा है। देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरी तरह से जो है यहाँ गिट्टी बालू जो भी ढलाई किया गया था, ये देखिए पूरे हट गया है, देखिए। और नीचे में साला जितना ने मटेरियल दिया है वो साला धस के हट गया, और ऊपर वाला देखिए, ऊपर का तो वो पूरा सही है, नीचे से ही डैमेज हो गया है, साला जड़ ही इसका मजबूत नहीं बनाया है। देख सकते हैं, ये पूरे जो है ये कट के हट गया है, देख सकते हैं, और ये सिर्फ पाया जो है इसके ऊपर नीचे पर अटका हुआ है। पूरी तरह से जो ये पुल है पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, देख सकते हैं, कब गिरेगा ये कहना मुश्किल है। और ये देखिए, जितना भी पाया है, ये सारा का सारा पाया जो है नीचे में, जितना भी नदी के नीचे है पाया, सब पाया पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, लेकिन अभी तक जो है इसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया है, कब इसको बनाया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा, वो अभी तक जानकारी या सूचना नहीं मिला है। जितने भी कांवड़िया बोलबम आते हैं, बोलबम से भक्त आते हैं, इस ओवर ब्रिज का प्रयोग ना करें, कहा है कि ये कब गिरेगा कहना मुश्किल है। और ये देख सकते हैं, ये पुल को बंद कर दिया गया है, रेलिंग देके घेर दिया गया है, देख सकते हैं, ये रेलिंग देकर इस पुल को घेर दिया गया है, ताकि बड़ा बड़ा जो गाड़ी है फोर व्हीलर वो इस पार से उस पार ना जा पाए, और इसके लिए फिर इसको रोक दिया गया है। तो फिर नीचे में एक छोटा सा पुल बनाया गया है, ताकि आवागमन जाने के लिए सही रास्ता वो हो सके। तो देख सकते हैं, यहाँ एक बाबा जी हैं, अभी हम इनसे जानते हैं, तो ये पुल कब से डैमेज है। पुल 2 साल से डैमेज है, 3 साल हो गया। 3 साल हो गया इस पुल का डैमेज हुआ, लेकिन बनाने की कोशिश किया है या नहीं। कोई कोशिश नहीं, कोई कोशिश नहीं किया है। ये सब पैसा उसा लेके चल गया, इस पर कितना उलट जाता है, गोड़ हाथ टूट जाता। अच्छा, तो देख सकते हैं, बाबा जी का कहने का मतलब ये है कि इस पुल को जब रोका गया तो ये छोटा वाला पुल बनाया गया है, लेकिन इस पे भी मतलब सही ढंग से इस रोड को जो है नहीं बनाया गया, और बार बार जो है इस पे गाड़ी उड़ी पलट जाता है, लेकिन जो पब्लिक है उसको आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। सरकार को क्या कहना चाहते हैं? सरकार के क्या कहेंगे, सब डुप्लीकेटे काम हो रहा है, सब डुप्लीकेटे काम हो रहा है। डुप्लीकेटे किसके सरकार में, ये किसके सरकार में ये बना है पुल? नीतीश के सरकार में बना है, सारा कहानी खत्म है, तुरंत 10 साल में पुल खत्म हो गया। 10 साल में पुल, बताइए, इस पुल को 10 साल भी नहीं हुआ बना हुआ और खत्म हो गया है, तो बताइए ऐसे में बिहार का भविष्य जो है वो करियर कैसे बनेगा, और 20 लाख युवाओं को जो रोजगार देने का वादा किया नीतीश सरकार, वो कैसे देगा? भूखे मर रहा है, देगा क्या? भूखे मर रहा है, बताइए, पानी बिना मर रहा है। तो इस बार किसको सरकार बनाएंगे आप? अब सरकार तो देखिए, अब नीतीश सरकार तो अब सबके दशा पूरा ये दिए। अच्छा, दूसर कौन है? नीतीश नहीं है, नीतीश और सब तक खाऊ का खत्म कर दिया, उल पुल सारा टेंडरे खत्म कर दिया। अच्छा। कखनी कहां मिलकर जनता के हत्या करवा देगा, और कोई ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं। मतलब बाबा का कहना है, एक नेता के चलते 2 पब्लिक के जेम उड़ गया है लड़का, और दोनों नेता में को नहीं देखने आया। तब बताइए, बाबा का कहना है नीतीश और तेजस्वी जब लड़ते हैं तो यहाँ पब्लिक का हत्या होता है, होता है। नोतापुरी। अच्छा, 36 के आंकड़ा चले जो देखे है ना, सब नेता के 420 है। बताइए, रामविलास पासवान के बेटी में शादी में गया है, और लेकिन यहाँ पे नहीं आया, नहीं आया है, जबकि यहाँ 2-4 पब्लिक का जनता मर रहा है। देखने नहीं, खाली वोट देना बेगा, वोट दीजिए, वोट दीजिए, ऊपर में रहता है प्रधानमंत्री के नीतीश कुमार देख रहा है ख्वाब पढ़ने के। अच्छा। बिहार के क्या देखेगा, बिहार के तो खोखला कर दिया खाऊ को। क्या बात है, अभी तो देख रहे हो तो प्रधानमंत्री बनने का ख्वाहिश देख रहा है, ख्वाहिश देख रहा है, पूरा होगा कि नहीं, ऊपर ताक रहा है, नीचे नहीं देख रहा है, नेता मर रहा है, उसको से क्या मतलब है, कहाँ क्या है, नहीं है उसको, कोई ऐसा बात नहीं, अपना ले। जब एक घर बनता है तो वो भी साला 10 साल में कुछ नहीं होता है उसको, जबकि सिंपल तरीका से उसे बनाया जाता है। और ये तो पुल है, ओवर ब्रिज है, इसको बनाने में कितना मेहनत लगा, लेकिन फिर भी देखिए कितना मटेरियल, कितना कुछ खाया, पूरा जो है ये पूरा
ढह ढह के गिर रहा है, देखिए क्या हाल हुआ है, देख सकते हैं ऐसे ही हाल नीचे का पाया का है। और ये जो सुल्तानगंज में पुल गिरा है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सुल्तानगंज में पुल गिराया है, इंजीनियर गिरवाया है पैसा लेकर, पैसा लेके गिरा दो और पैसा हमको बढ़ेगा कमीशन। अब साला 2025 में चालू करता सब करेगा 2030 में करेगा। पैसा ले लेकर इंजीनियर घोषणा बना कर गिरा दिया, एगो पाया क्या उसको लगा। और अभी सरकार जो है बिहार का वो इधर से उधर से भाग रहा है चोरा नुका के। एक पुल तो सुल्तानगंज में टूटा है लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया है, और एक पुल जो है ये भी टूट ही गया है लेकिन इसको अभी बनाया ही नहीं। पिछले साल मतलब 2-3 साल से ये पुल जो है ऐसे ही डैमेज पड़ा हुआ है। तो इस पुल को जब ही बचा के रखे हुए हैं, ये बजरंगबली का मंदिर देख रहे हैं, यही बजरंगबली हैं जो इस पुल को अभी बचा के रखे हुए हैं। नहीं तो ये पाया का जिस तरह से हाल है उस तरह से मतलब पूरा जो है वो गिर जाता। ये देख सकते हैं कुमरसा नदी पुल के ऊपर बजरंगबली का मंदिर है, देख सकते हैं यही बजरंगबली है।